दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, या हमारी पावर बीआई की पेन ड्राइव ट्यूटोरियल हम कह सकते हैं इसको, पेन ड्राइव ट्यूटोरियल है क्योंकि आज ही मुझे एक रिक्वेस्ट आई है पेन ड्राइव क्रिएट करने के लिए, तो हमने ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि इससे पहले मैंने एक्सेल और वीवीए की और एमआईएस की पेन ड्राइव तो थी, बट ये मेरी पेन ड्राइव क्रिएट होने जा रही है पावर बीआई के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पावर बीआई क्या है, कैसे। उससे पहले हम जानेंगे कि पावर बीआई को सिस्टम में इंस्टॉल आप कैसे करेंगे। जी हाँ, पावर बीआई को सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो उसके लिए अगर आपको powerbi.microsoft की साइट पता है तो उसको डायरेक्ट चले जाइए, या फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके। गूगल बाबा के पास तो सब कुछ पता है ना सर। पावर बीआई यहाँ पे आप सर्च करेंगे, सर्च करते ही यहाँ पे आपको डेटा विजुलाइजेशन यहाँ पे देखिए, बहुत सारे ऐसे और भी फेक होते हैं जैसे पावर बीआई के चैनल, उस पर मत जाइएगा। आप यहाँ पे लिखिएगा पावर बीआई, यहाँ पे powerbimicrosoft.com पे आप जाइए और यहाँ आप इस पर क्लिक कीजिए। तो इसमें दो चीज पड़ेगी, सबसे पहले तो इसकी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, ये चीज को जान लीजिए। तो इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आप प्राइजिंग पे या फिर ट्राई फ्री पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ आप डाउनलोड फ्री का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड फ्री का ऑप्शन होने के बाद ये आपको स्टोर में भेज देगा। ध्यान रखिएगा क्या कहाँ भेज देगा, स्टोर में भेज देगा। तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा, फिर स्टोर से डाउनलोड होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए करेगा लर्न अबाउट पावर बीआई डेस्कटॉप, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से डाउनलोड फ्री पे क्लिक कीजिए और ये आपका डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। असी डाउन दिक्कत और है कि आप यहाँ डाउनलोड में भी क्लिक करते हैं तो आपको भेज दे रहा है किस पे, स्टोर पे। अगर हालांकि स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है वहां से डाउनलोड करने में। तो यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ आपके सामने आ जाएगा पावर बीआई 64 बिट में है या फिर इसमें पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी क्या है, हर चीज चेंज होते रहता है ना, तो सर इसलिए जब मैंने डाउनलोड किया था डायरेक्ट हो गया था, इसलिए मैंने आपको तरीका बताया। तो फिर से तरीका समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पावर बीआई पे आएगा, यहाँ पे स्टार्ट फ्री या टाइम फ्री किसी पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड फ्री होगा, अगर डाउनलोड फ्री पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए ये आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भेज देगा। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करते हैं तो आपका ये स्टोर ओपन हो जाता है। तो हालांकि आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये साइन इन वगैरह माइक्रोसॉफ्ट आईडी वगैरह मांगने लगेगा, तो ऐसा करना जरूरी नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लर्न अबाउट पावर बीआई डेस्कटॉप, इस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे दिख रहा था सी डाउनलोड और मोर लैंग्वेज ऑप्शन, उस पर जाइएगा। उस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि लैंग्वेजेस दिख जाएगा, तो इंग्लिश बाय डिफॉल्ट होता है और यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा कौन सा चाहिए आपको, डाउनलोड 64 बिट चाहिए या फिर आपका 32 बिट चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब आपको इंस्टॉल कर ले तो आता होगा, क्योंकि पावर या बीआई आप सीखने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने तो ऑब्वियसली आपको आता ही होगा। इसके लिए कोई बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, सिंपल जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर नॉर्मली इंस्टॉल करते हो वही आपको इंस्टॉल करना है। लेकिन पावर भी यूज कर रहे हैं तो आपके पास इसका लॉगिन आईडी भी होना जरूरी है। जी हाँ, लॉगिन आईडी भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ट्राई फ्री पे जाते हैं, यहाँ साइन इन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइन इन एंटर फोर आ रहा है, अगर आपके पास नहीं है, नहीं साइन इन नहीं, साइन अप करना था ना, तो ट्राई फ्री पे हमने क्लिक किया, स्टार्ट फ्री ट्रायल। जी हाँ, ये आ गया आपका पावर। तो यहां पे आपको जो है साइन इन बनाने के लिए आपको इसे एक्सेल एट द रेट मैंने यहां पे डाला आईपीटी आईपीटी
डिया डॉट कॉम, क्योंकि यहाँ पे कंपनी आईडी चाहिए होगी। अगर आपने यहाँ पे गलती से ईमेल आईडी डाल दी, क्या बोलते हैं, आईपीटी इंडिया, मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पे दिल्ली 123 आईपीटी दिल्ली, है ना, आईपीटी दिल्ली 123, और यहाँ पे मैंने कर दिया @gmail.com, तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आपको जब भी मांगता है कंपनी की आईडी ही मांगेगा। यहाँ दिख रहा है दैट लाइक द पर्सनल ईमेल एड्रेस, एंटर योर वर्क एड्रेस, वी कैन कॉन्टेक्ट अदर कंपनी, आई डिड नॉट वरी, शेयर द एड्रेसेस विथ एनी वन, गॉट इट। अब इसमें आपको बोलेगा कंपनी का आईडी डालने के लिए। अब यहाँ पे आपको कंपनी की आईडी डालना है। मेरे पास जैसे कि kumar@iptindia.com तो ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये देखिए यहाँ पे वी आर यूजिंग, ऑलरेडी इज ली, तो इसमें आपको जो है पहले आईडी क्रिएट करना होगा। अब मेरे पास एक मिनट में कोई एक और आईडी, बिजनेस आईडी में क्रिएट करता हूँ, रुक जाइए, तो आपको आईडी क्रिएट करना बता ही देता हूँ, क्योंकि आईडी क्रिएट करना जरूरी है। तो मैं, मेरे पास आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन है, तो मैं एक बार क्रिएट करता हूँ आईडी। तो ये आपकी आईडी, इस पे आईडी क्रिएट, आईडी क्रिएट क्यों करना है, क्योंकि क्या होता है कि पावर बीआई में आप रिपोर्ट वगैरह बना लेंगे, बट इस रिपोर्ट को आपको शेयर कहाँ करना है, शेयर करने के लिए लोकेशन तो चाहिए। अगर आपको शेयर करने के लिए लोकेशंस नहीं है तो कैसे होगा, क्योंकि शेयर के लिए लोकेशंस तो आपको चाहिए होगा, क्योंकि आप पब्लिश जब, क्योंकि इसको आप सिर्फ पीडीएफ में इसको सेव कर सकते हैं या फिर पावर बीआई के फॉर्मेट सेव कर सकते, लेकिन अगर आप किसी को शेयर करना है या फिर आपको डाउनलोडिंग लिंक तैयार करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास होना चाहिए आईडी, क्योंकि फिर वो वेब वर्जन पे जाएगा, वहां से आपको शेयर करना होगा, तो आपके पास उसकी आईडी होनी चाहिए। तो मेरे पास तो एक ऑलरेडी बनी हुई है, आप लोगों को दिखाना है कैसे बनाया जाता है। तो मैं एक बार आता हूँ मेल पे, मैं एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करता हूँ, ये मेरा पोर्टल है जहाँ से मेरी वेबसाइट्स और ईमेल्स हैंडल होते हैं, तो स्लो वर्क करता है। मैं एक बार ईमेल आईडी, तो ये एक ईमेल आईडी और मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट ईमेल, इसमें मैं डाल देता हूँ एक्सेल, @iptindia.com पासवर्ड सेट कर सकता हूँ, जो सब पासवर्ड है। पासवर्ड को कन्फर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं मेल बॉक्स भी खोल लेता हूँ, मेल @iptindia। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट बनेंगे, अगर आपके पास कंपनी की आईडी आप नहीं डाल सकते, कंपनी में बाहर का मेल नहीं है, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही है आपको कोड आता है, तो आपके, अगर आप अपने होम पीसी में इसको करना चाहते हैं, आप कंपनी की आईडी आपके पास है,
तो फिर कंपनी की मेल को एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि फिर वो पासवर्ड आपको भेजेगा, तो पासवर्ड जो ओटीपी भेजेगा तो ओटीपी यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। तो इसका ध्यान आप रखिएगा कि अगर आप कंपनी का आईडी यूज करते हैं, लेकिन आप हमारे स्टूडेंट बनेंगे तो हम आपको अपनी तरफ से एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा लर्निंग, जब तक आप लर्न सीखेंगे तब तक। इस आईडी को डालता हूं अपने ब्राउजर में। तो यहां पर लिखता हूं पावर बी आई एट द रेट IPT। देखिए तो डिड यू गेट ईमेल एड्रेस फ्रॉम द कंपनी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ईमेल आईडी आएगी और इस ईमेल आईडी के ऊपर कोड होगा, उस कोड को आपको यहाँ पे आपको एंटर करना। यस करते हैं, जैसे कि आप यस करेंगे आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ सुजीत कुमार, यस चेंज हो गया है नाम का स्पेलिंग, और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। वेरिफिकेशन कोड, तो चलिए वेरिफिकेशन कोड के लिए हमारा ये मेल खोलते हैं, इसमें देखते हैं मेल आया कि नहीं आया। मैं सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि मेल में ज़्यादा तो आउटलुक में कनेक्ट होते हैं जहाँ पे फास्ट वर्क करते हैं, बट ये ब्राउजर में थोड़ा स्लो सा वर्क करता है। ये हमारा पावर बी आई का मेल आ गया। और ये वेरिफिकेशन कोड है हमारा, इस वेरिफिकेशन कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं पावर बी आई वाले सेक्शन में, यहाँ भी इसको डाल देते हैं और फिर यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पीपल से आपकी कंपनी के जितने भी पर्सन है उसको इनवाइट करने के लिए बोलते हैं, मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब यह हमारा पावर बी आई का प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। ये हमारा पावर बी आई का वेब पोर्टल आया। अब ये तो हमने लॉगिन क्रिएट कर दिया, उसके बाद हम चलते हैं पावर बी आई सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। पावर बी आई सॉफ्टवेयर को हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो पावर बी आई से ओपन करेंगे, हालांकि मैंने लॉगिन कर रखा है, लेकिन आपके पावर बी आई जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ और दिखेगा, इस तरह से चीजें नहीं दिखेंगी। तो आप जैसे ही पावर बी आई की लॉगिन करेंगे, मैं यहाँ से एक बार लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से।
हाईवे सर्विसेज अकाउंट सेटिंग, अकाउंट सेटिंग पर आते हैं। साइन आउट, तो जैसे साइन इन, यहाँ पे आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। जैसे आप पावर बी आई को ओपन करेंगे बिना साइन इन के, जैसे मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, फिर इससे ओपन करता हूँ। अब एक बार मैं पावर बी आई को मैं एक बार ओपन करता हूँ वापस, जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है। जब आप साइन इन नहीं करेंगे तो आपके पास पावर बी आई का इस तरह से ऑप्शन आएंगे। एक जो आपके रिसेंटली यूज किए गए डेटा, या आप डायरेक्ट यहां से डेटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप डेस्कटॉप वर्जन में साइन इन करें, जरूरी नहीं है साइन इन करना, यहाँ पे जरूरी नहीं है। और यहीं से ट्राई फ्री करके आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे ट्राई फ्री करके आप अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, यहीं से अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले किया है। तो आपको पावर बी सॉफ्टवेयर खोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे अगर आपको साइन इन करना है आपको, तो यहाँ पर उससे पहले बता देता हूँ कि कुछ यहाँ पे जैसे न्यू अपडेट्स होंगे, पावर बी आई ब्लॉग्स होंगे, उसके फॉरम होंगे, ट्यूटोरियल्स होंगे। तो पावर बी आई भी यहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और बाकी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके पहले आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। तो मेरा था यहाँ पे कि पावर बी आई एट द रेट IPTIndia.com, मैंने यहां पे साइन इन पे क्लिक किया। अब मुझसे पासवर्ड पूछेगा। देखिए, जब साइन इन कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, इसका ध्यान आप रखेंगे। अब साइन इन करते हैं, यहां पे देखिए मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह आ जाएगा, सुजीत कुमार सिंह आ गया। जी हाँ, इस तरह से आपका नाम आपके सामने आ जाएगा। ये आपका पावर बी आई का प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले आपको पावर बी आई को सेटअप करना होगा, और सेटअप करने के बाद ही अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब इसमें हम जो भी काम करेंगे, जो भी हम डेटा ऐड करेंगे, वो हमारा वेब पे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और यहाँ से हम अपने फाइल को चारों तरफ जहाँ भेजना चाहे वो सारी चीज़ें भेज सकते हैं। जी हाँ, यहीं से। तो ये चीजें हमारे पावर बी आई के नया सेटअप से, या माय माय वर्क स्पेस हो गई, यहीं पे आप कर सकते हैं। ये मेरी पेन ड्राइव की पहली वीडियो थी, और हमारी पेन ड्राइव की वीडियो एवरेज 20 से 30 मिनट की होती है, आधे घंटे के आसपास होती है। लेकिन जो कभी कभी रिपोर्टिंग वाली वीडियो ज्यादा लंबे टाइम की भी हो सकती है। तो ये पेन ड्राइव की हमारी पहली वीडियोज है। अगर आप हमारे पेन ड्राइव की बुकिंग करना चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। पहले अभी 500 रुपये की डिस्काउंट है, ऐसे पेन ड्राइव की प्राइस 2500 होगी, लेकिन अभी आप बुकिंग कर लेते हैं तो डेली बेसिस पे आपको हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे उसकी वीडियोज आपको मिल जाएगी, और जैसे पेन ड्राइव बनेगी आपको पेन ड्राइव भी आपको मिल जाएगी, और अभी आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट आप मुझे कॉल कीजिए, और मैं प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह से आप बुकिंग कर सकते हैं पावर बी आई की पेन ड्राइव की। और ये तकरीबन 1 महीने के अंदर में पावर बी आई तैयार हो जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बी आई, और संदीप आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप सेशन को रिकॉर्ड कर ले। रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने के लिए आपको प्रेस करना है Alt प्लस R, Alt प्लस R। हाँ, अब हम बात करते हैं आज की सेशन की। आज हम बात करेंगे पावर बी आई, हमारी पावर बी आई की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको पावर बी आई को डाउनलोड करना, उस पर आईडी वगैरह बनाना सिखाया था, राइट? और आप डाउनलोड करके आईडी वगैरह बना लीजिएगा, और फिर उस आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप पावर बी आई फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने इसी तरह का विंडो आएगा। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो इस तरह का दिखेगा, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। लॉगिन करना जरूरत इसलिए है क्योंकि जो ये तो आपका पावर बी आई डेस्कटॉप है, जो रिपोर्ट बन रही है वो आपके सिस्टम पे है, लेकिन रिपोर्ट को शेयर करने के लिए और भी बहुत सारी चीजों करने के लिए हमें इसको वेब एप्लीकेशन
पे ले जाना होता है, तो वेब एप्लीकेशन पे तभी जाएगा जब आपका ये लॉगिंग होगा, तभी वही इस वेब पे प्रेस करेगा। हाँ, मैं आपको लॉगिन, आपको इसकी आईडी, इसकी जो अकाउंट जो है पावर बीआई पे अकाउंट बनाने के लिए ऑफिशियल आईडी चाहिए हो। हाँ, तो आप पावर बीआई, जैसे लास्ट में बताया था कि पावर बीआई की साइट पे जाके साइन अप करके एक आईडी बना लीजिएगा, फिर उस आईडी, जो वहां आईडी जब बन जाएगी, उस आईडी को यहाँ पे लॉगिन करना है आपको। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा जिसमें कुछ वीडियोज होंगे, ट्यूटोरियल वीडियोज है जिसमें देख रहे हैं कि बिलिंग रिपोर्ट्स, क्यूरी एंड व्यू कंसेप्ट, अपलोडिंग योर रिपोर्ट्स एंड क्रिएट योर फोन रिपोर्ट्स, राइट सर। और उसके अलावा वी ऑल वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग वीडियोज आपको दी जाएगी, तो यहाँ वी ऑल पे कीजिएगा तो इसकी पूरी ट्रेनिंग वीडियोज आपको दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको व्हाट्स न्यू, इसके बारे में जो ये आपके ब्लॉग्स वगैरह है, तो स्टूडियो, ये तो ट्यूटोरियल से रिलेटेड हुई। उसके अलावा यहाँ पे गेट डेटा, रिसेंट सोर्स, और यहाँ पे जो आपकी फाइल लोड की हुई उसका होता है। अब गेट डेटा का मतलब क्या हुआ, तो पावर बीआई के पास अपना खुद का कोई डेटाबेस तो होता नहीं है, वो किसी डेटा को ही इम्पोर्ट करके फिर उसके ऊपर रिपोर्ट क्रिएट करता है सर। क्या सर, तो ये रिपोर्ट जो क्रिएट कर रहा है ये उसका कि ये है वो है कि उस डेटा की बात कर रहा है जो रिपोर्ट क्रिएट कर रहा है। एक मिनट, कुछ डेटा देख रहा हूं मैं अभी। तो यहां आपको बताता है कि डेटा जो है वो कहां से लेना है, तो यहां पे गेट डेटा पे क्लिक कर दे, या फिर यहां से आप क्लोज करेंगे तो ये आपका व्यू दिखेगा। तो व्यू में समझिए ये आपके ऊपर मेनू बार है, ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा तो आपका मेनू बार हाइड हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने जैसे ओपन किया और मेनू बार हाइड है, तो समझिए मेनू बार नहीं है, इस पे क्लिक करने से आ जाएगा, और इसको फिक्स करना है तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो ये आपका फिक्स रहेगा। उसके अलावा ये जो आपका इंटरफेस है, जहां पे ये आपका कैनवेस एरिया है जहां पे रिपोर्ट बनेगी, ये जो होता है यहाँ पे कैनवेस की इसके लिए उसकी जो नोट्स होते हैं उस नोट्स एरिया है, ये आपका फिल्टर्स एरिया है कि जो रिपोर्ट्स बनेगी उस पे फिल्टर्स आप अपना अलग अलग डिफाइन लगा सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये विजुलाइजेशन है कि आपकी रिपोर्ट के लिए कौन सा किस तरह का चार्ट या विजुलाइजेशन आप ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी फॉर्मेटिंग क्या क्या होनी चाहिए। और ये आपका फील्ड, फील्ड किसका, जो डेटा आपने कनेक्ट किया है उसका फील्ड। उसके अलावा यहाँ पे तीन व्यू होंगे, ये आपका आता रिपोर्ट व्यू जो आपको दिख रहा है इसको रिपोर्ट व्यू कहते हैं, और इसके नीचे आपका डेटा व्यू, इसके नीचे आपका मॉडल। मॉडल मतलब कि जैसे कि आप एक से ज्यादा डेटाबेस को आप यहाँ पर रख सकते हैं, और जब आपने एक से ज्यादा डेटाबेस लिया हुआ है तो एक से ज्यादा डेटाबेस में आपको क्या क्या आना चाहिए, उसके बीच, उनके बीच में क्या क्या कनेक्टिविटी होना चाहिए, जिससे किस किस तरह का डेटा और क्या क्या होना चाहिए, उस चीजों की डिसाइड यहाँ पे हम डेटा मॉडल में करते हैं। तो तीन व्यू है आपके पास, पहला है आपका रिपोर्ट व्यू, दूसरा है डेटा व्यू, और तीसरा आपके सामने है रिलेशनशिप व्यू। उसके अलावा आप जैसे कि एक रिपोर्ट्स के लिए एक पेज है, और यहाँ अनदर रिपोर्ट्स के लिए एक और पेज ऐड कर सकते हैं, तो यहां से जैसे सीट आप ऐड करते हैं उतनी यहाँ पेजेस आप कर सकते हैं अपलोड। और आप कौन से पेज में और कितने पेजेस हैं इसका व्यू यहाँ नीचे टाइटल बार में दिखाता है,
और दूसरा जैसे कि इसको पावर बीआई को अपडेट वगैरह करना है तो इसका यहाँ पे दिखेगा कि भाई अपडेट आ गया, इस पे क्लिक करके अपडेट कर लीजिए। और व्यू में आपके सामने एक फाइल मेनू बार है, ये आपका फाइल मेनू बार है, दूसरा होम है, व्यू है, मॉडलिंग है। अब क्या क्या होता है फाइल मेनू बार में आपके इस रिपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, डेटा लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह यहाँ पे होता है। अगर होम में आते हैं तो होम में आपके रिपोर्ट से रिलेटेड सारे चीजें हैं। व्यू में आपको व्यू जो आपके रिपोर्ट की जो व्यू है, जैसे ग्रिडलाइन करना है, ऑब्जेक्ट को लॉक करना है वगैरह वगैरह यहाँ पे होता है। मॉडलिंग में जैसे कि कैलकुलेशंस वगैरह, फील्ड की कैलकुलेशन, रिलेशनशिप, उससे रिलेटेड चीजें होती है। तो इसमें ज्यादा कोई मेनू बार होता नहीं है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम होता है डेटा को इंपोर्ट करना। तो गेट डेटा पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ रिसेंटली यूज या फिर मोस्ट यूजेस कमांड दिखेगा, जैसे एक्सेल से, पावर बी डेटाबेस से, पावर बी डेटा फ्लो से, एसक्यूएल सर्वर से, डेटाबेस से, टैक्स वेब, ओ डेटा फीड एंड ब्लैंक। लेकिन जब इसके मोड पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे पूरी कैटेगरी वाइज ऑल फाइल से, डेटाबेस से, पावर प्लेटफॉर्म से, एजुरे से, ऑनलाइन सर्विसेज से या अदर सर्विसेज से कैटेगरी के हिसाब से बटा हुआ है। तो इसके ऊपर हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि एक कोई एक डेटा को कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, हाँ ये रहा आपका ऑनलाइन जैसे शेयर पॉइंट है, हाँ सेल्सफोर्स भी है, अजूरे भी है, गूगल एनालिटिक्स है, फेसबुक का है, लिंक्डइन का है, ठीक है ना सर। और डेटाबेसेस अगर आपके पास डेटाबेसेस जैसे एसक्यूएल हो गया, आईबीएम का हो गया, सैप का हो गया, हाँ एक और आता है एक्सेल ओसूल, ये आपका इसका रसिया का कंपनी है। हम फाइल पे आते हैं और नॉर्मली तो हम सर एक्सेल से ही लेते हैं, चलिए हम नॉर्मली एक्सेल से कनेक्ट करते हैं। एक्सेल को लिया और मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे लोकेशन आता है फाइल का, लोकेशन हमने सेलेक्ट किया एंड ओपन किया। ठीक है सर, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे जरूरी नहीं, अब देखिए क्या इसको क्लिक कर दिया, एक्सेल की तरह बिल्कुल होता है सर, तो यहाँ पे लोड एक्टिवेट नहीं हुआ। मैं फर्स्ट टाइम जब इसको किया था तो मैं भी चौंक गया था, ये लोड क्यों नहीं क्लिक हो रहा है। फिर मैंने इसको पढ़ा तो मुझे पता चला कि पावर बीआई में आप एक से ज्यादा डेटाबेस को लोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ चेकबॉक्स पे आप क्या बोले, एक से ज्यादा डेटा को, एक से ज्यादा डेटा शीट को, मतलब एक्सेल के मान लीजिए ओपन किया, फाइल में अगर 10 सीटें हैं, एक से ज्यादा सीट्स को आप ये कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिस जिस सीट को आपको कनेक्ट करना है उस सीट का आपको यहां पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा और फिर इसको लोड पे क्लिक कर दीजिए, आपका लोड हो जाएगा। ठीक है सर, अब लोड हुआ तो यहां देखिए इसके फील्ड्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं फील्ड्स। जी हाँ, तो ये डेट यहाँ इस पे आएंगे तो आपको यहाँ पर डेटा भी दिख जाएगा पूरा का पूरा। तो पावर बीआई में होता क्या है, मेनली यही होता है कि हम देख लेंगे और यहाँ पे अपने पिवट टेबल की तरह अपने रिपोर्ट्स को उठा के रखिए और यहाँ पे अपना विजुलाइजेशन सेलेक्ट कीजिए कि आपका पिवट कैसा दिखना चाहिए। और एक डेटा पे कई सारे एंगल से भी बना सकते हैं, जैसे P1 का आ गया और फिर मैंने वापस नेम यहां रखा,
और फिर वहां पे P2 का कर दिया, और इस पे विजुलाइजेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और वापस इसको हमने, अब इसमें आपको मान लीजिए कि टोटल नहीं है, कैलकुलेशन करनी है, तो पिवट टेबल इसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मोडली में जाके न्यू कॉलम्स हमने यहाँ पे दिया टोटल, और टोटल में हम यहाँ पे फिर फील्ड को P1 P1 प्लस P2 प्लस नहीं नहीं सर, फिर कॉलन है ना सर, कोई एड्रेस थोड़ी है। हाँ इसके कैलकुलेशंस के बारे में आगे हम और भी विस्तार से बात करेंगे, मतलब आपको एक तरह से डेमो दे रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। टोटल बन गया। अब मैं यहाँ पे एक देता हूँ जिसमें मैं टोटल और नेम देता हूँ सेल, उसके बाद मैं यहाँ पे रिपोर्ट किया, इसमें मैंने टोटल को डाल दिया, अलावा मैं यहाँ पे वापस इसी को लेता हूँ, नेम को डाल देता हूँ। जी आपका रिपोर्ट तैयार हो, ठीक है सर। यहाँ पे रिपोर्ट की हेडिंग देनी है, होम में आते हैं, एक्सबॉक्स, यहाँ पे डेली प्रोडक्ट है, तो इसकी साइज को यहां से बड़ा कर लीजिए, मान लीजिए मैं 20 कर देता हूं। अब इस रिपोर्ट को मैं यहां से पब्लिश कर देता हूं। पहले इसको सेव, पब्लिश करने से पहले आपको सेव करना पड़ेगा डेटा के नाम, यहाँ पे इसको ओपन भी कर सकते हैं, लिख लीजिए ये आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई को, पहले लेकिन साइन अप साइन इन करने के लिए बोल रहा है। मैं दूसरा पावर बी आई लॉगिन हो गया,
अब फाइल में आते हैं, यहाँ पे पब्लिश ऑन द बेल, पब्लिश द रिपोर्ट भी आर्क्स द पावर भी एडमिट आर्डर की टू पब्लिश टू द इनमेट कोड ओवर द पब्लिश रिपोर्ट। ओके, इसको पहले ये करना पड़ेगा। एडमिन को चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको बाद में चेंज करूंगा। यहाँ पे आ गया, आपको पब्लिक पे पब्लिश कर सकते हो, आप पावर पॉइंट एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, और किसी को शेयर भी कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, शेयर में जिसको भी शेयर करोगे उसका ऑप्शन रहेगा आपका, और आप जितने भी रिपोर्ट्स होंगे सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, तो ये आपका पावर बीआई का इंट्रोडक्शन था। अब पावर बीआई डाउनलोड करके आप रिपोर्ट ऐड कीजिए, थोड़ी बहुत रिपोर्ट बनाइए, तो फिर आगे हम इस चीजों पे बात कर लेंगे, ठीक है सर। इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करना है डेटा विजुलाइजेशन का, और डेटा विजुलाइजेशन में हम बात कर रहे हैं अपने चार्ट्स के टाइप्स के बारे में। तो कल हमने आपको स्केट चार्ट एंड स्केट कॉलम चार्ट के बारे में बात की, स्कर्सर कॉलम स्कर्सर चार्ट की बात की थी, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, तो एक काम कनेक्ट कर रहे हैं, चलिए डेटा हमारा कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, अनलोड कर देता हूँ। तो डेटा विजुलाइजेशन में हमने लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे स्कैटर चार्ट एंड हमारा ये था कर्सर स्कैटर चार्ट। अब चलिए हम बात करते हैं स्कैटर कॉलम चार्ट के बारे में। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इसमें हम अपने हिसाब से रखते हैं फिगर, इसे हमने सेल्स का फिगर रख दिया और मान लीजिए हमने रीजन का फिगर रख दिया, तो ये आपके सामने ये हमारा दिख गया। लेकिन क्या होगा इसमें अगर हम दो फील्ड रखें, तो अगर मैं मान लीजिए कि मैं इसमें टीम को भी रख देते हैं, टीम मेंबर को भी इसके अंदर रखते हैं, तो ये क्योंकि ये हमने कौन सा चार्ट लिया था, हमने चार्ट लिया था स्केट कॉलम चार्ट, तो इसने क्या किया इसके अंदर जितने भी हैं उसको इस तरह से कॉलम वाइज कर दिया। तो आप इसको स्विच भी कर सकते हो कि हमने ये मेंबर को यहाँ रख दिया, लेजेंड में रख देता हूँ, इस तरह से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हर किसी का अलग अलग टीम मेंबर्स बने, तो उस केस में हम यहाँ अपना जो टाइप हमारा है हंड्रेड स्केट कॉलम, उसके जगह पे मुझे कर्सर कॉलम रखना पड़ेगा। तो कर्सर कॉलम में आप देखेंगे कि अलग अलग हर किसी का ये हमें दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपको दिक्कत होती है कि आपने चेंज किया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, फिर से दोबारा आप इस पे कर्सर कॉलम पे मैंने रखा और इस पे फिर हमने अपना फिगर जो है फिर से फिगर आउट कर देता हूं मैं इसमें, और मैं यहाँ रीजन को रखता हूँ, तो ये हमारा रीजन बाय सेल्स आ गया। अब मैं वापस यहाँ पे रीजन के जगह पे मान लीजिए मैं यहाँ पे टीम मेंबर्स को रखता हूँ,
तो इस तरह से आएगा हर टीम मेंबर का, हर रीजन वाइज और टीम मेंबर का, क्योंकि टीम मेंबर के लिस्ट ज्यादा है इसलिए। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि टीम मेंबर को स्विच कर सकते हैं कि टीम मेंबर हमारा इसमें चला जाए, इसमें उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, और रीजन को आप इसमें रख सकते हैं, ये थोड़ा सा बेटर होगा। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती है, तो मैं एक काम ये हटा देता हूँ, मैं अपने टीम मेंबर वाइज ही रखता हूँ रिपोर्ट को। ये टीम मेंबर के हिसाब से हमारा रिपोर्ट्स क्रिएट हो चुका है। अब इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सेल्स वगैरह में अपने उसी हिसाब से मैक्सिमम मैक्सिमम जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और इन कैलकुलेशन की वहाँ पे यहाँ पे फॉर्मेटिंग की बात करें तो जैसे हमने लास्ट क्लास में फॉर्मेटिंग की थी कि जनरल फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपका है, एक्सिस वाई एक्सिस का है, डेटा कलर्स का है, इसके बाद डेटा लेबल्स ऐड करना चाहते हैं इसको ऑन कर दीजिए, आपके ऊपर डेटा लेबल्स ऐड हो जाएंगे। डेटा लेबल्स का कलर चूज कर सकते हैं, इसकी यूनिट्स ऑटो कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं कि भाई मिलियंस में हो, थाउजेंड्स में हो, किस में हो। ये हॉरिजॉन्टल है, आप इसको वर्टिकल भी कर सकते हो इस तरह से, अगर आपका जैसे इसमें इस तरह से करने से फायदा हो गया क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा था, क्रॉस नहीं करेगा। उसके प्लॉट एरिया है, आपका टाइटल्स है, टाइटल जैसे कि यहाँ पे सेल्स बाय टीम मेंबर्स है यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, इस टाइटल्स को भी चेंज कर सकते हो, इसकी इंडेक्स को रैप कर सकते हो, इसकी अलाइनमेंट भाई मिडल में हो या कहाँ पर हो वो चेंज कर सकते हो, इसकी फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर के भी आप चेंज कर सकते हो कि इसकी बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद एनालिटिक्स में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एनालिटिक्स एज पर विजुलाइजेशन चेंज होता है। आप कर्सर कॉलम चार्ट में देखेंगे कि विजुलाइजेशन में एक ही था आपका, तो ये कंसिस्टेंट लाइन था, बट इसमें कंसिस्टेंट लाइन के अलावा मिनिमम मैक्सिमम सब दे सकते हैं। मतलब एक लाइन जैसे मैं मान लीजिए कि मेरा जो है 300 कुछ ये है, तो आप ये यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं कि भाई कम से कम 150 तो सेल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंस लाइन पे जाता हूँ, ऐड करता हूँ, और मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 150। यहाँ देखिए 150 के ऊपर एक लाइन बन गई, इस लाइन का जो है डैश चाहिए या फिर सॉलिड लाइन चाहिए, डॉटेड चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ये फ्रंट में हो या बैक में हो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मिनिमम लाइन कि भाई कम से कम 50 होने चाहिए, तो यहाँ पे हमने डॉटेड के जगह पे लाइन कर देता हूँ सॉलिड, और वैल्यू मिनिमम इसने ऑटोमेटिक ले लिया, यहाँ पे मिनिमम जो ऑटोमेटिक ले लिया, इसमें नंबर डालने की जरूरत नहीं है, जी हाँ मिनिमम ऑटोमेटिक ले लेता है मेजर्स के सेल्स के अकॉर्डिंग। और फिर ऐसे ही आप मैक्सिमम लाइन ऐड करना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम लाइन ऐड हो जाता है, इसमें वैल्यू आप नहीं दे सकते, ऑटोमेटिक वो वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू काउंट कर लेता है। एवरेज लाइन करना चाहते हो तो एवरेज भी आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, इसका एवरेज क्या होना चाहिए और उसकी कलर क्या होनी चाहिए। मैं इसकी कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, और ये आपका एवरेज आ गई, और इसकी कलर जो है ब्लैक हो गई। डायोड की जगह पर मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ डैश की जगह पर, और ट्रांसपेरेंसी हम इसको 0% कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। मीडियन लाइन, आप मीडियन लाइन भी ऐड कर सकते हैं, तो ये चीजें आप यहां से यूज कर सकते हो। तो ये आपके एनालिटिक्स में आता है, एनालिटिक्स हर चीज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। तो ये आपका, तो जब 100% स्टैक चेक करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ना कि एक कई सारे लेवल्स में कई सारे मतलब कि पार्ट हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कर्सर लिया था, तो कर्सर में क्या था कि आपने रीजन रख दिया, तो रीजन एंड सेल्स हमने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे एक रीजन में कई, अब यहाँ पे अगर मैं टीम मेंबर का रखता हूँ या फिर प्रोडक्ट ही रखता हूँ मान लीजिए, तो एक रीजन में दो प्रोडक्ट सेल हुए हैं तो यहाँ पे उसको दो भाग में डिफाइन कर देगा, यहाँ देखिए दो भागों में डिफाइन कर देगा। लेकिन अगर आप इसको ये लेते हैं कर्सर कॉलम चार्ट लेते हैं, तो कर्सर कॉलम चार्ट क्या करता है कि हर हर के लिए अलग अलग लाइन बना देता है,
हर चीज के लिए अलग अलग लाइन क्रिएट कर देता है। ठीक है, यहां पे इस चीज का डिफरेंट है, और इसकी फॉर्मेटिंग तो सेम होती है, लेकिन इन एनालिटिक्स में जाते हैं तो सिर्फ कॉन्स्टेंट लाइन भी होता है, सिर्फ कंटिन्यूस लाइन ही होता है और डेटा कुछ नहीं होता है। तो एनालिटिक्स हर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। इसी में एक लास्ट जो पार्ट है हमारा, ये आपका दिख रहा है 100% कंसर्न। तो जैसे कि इसमें क्या है, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग है कि भाई यहां से 150 तक हमारा जो है, 1500 1484 हमारा प्रोडक्ट वन है और 1000 हमारा प्रोडक्ट टू है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हमारा 2500 हुआ। 2500 के बीच के कंट्रीब्यूशन को इसने अलग अलग कर रखा है। ठीक है, तो इस वैल्यू में अगर मैं इसको यहां पे परसेंटेज ऑफ ग्राम टोटल कर देता हूं, तो ये परसेंटेज के हिसाब से अपने आप को कैलकुलेट कर देता है। और इसके ऊपर मैं फॉर्मेट में जाता हूं और डेटा लेवल्स को ऐड कर देता हूं, तो आपको बता देगा कि भाई टोटल में ग्राम टोटल के हिसाब से है, मतलब कि टोटल ऑफ सेल में हमारा ये है, मतलब कि टोटल ग्राम टोटल, मतलब कि इसकी टोटल नहीं, ये एक सिटी जो है अलवाना, उसकी टोटल कैलिफोर्निया के टोटल के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि तो हमने यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ग्राम टोटल सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं नो कैलकुलेशन कर दूँ तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन पिवट में क्या होता है कि हम कॉलम टोटल परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल भी करते हैं, बट यहाँ भी कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये तो हो गई टोटल ओवरऑल परसेंटेज में। लेकिन अगर इसी में मैंने यहीं पे अगर मैंने अगर ये किया 100% लिया, बार और कॉलम दोनों होता, तो फिर हम बार के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में कल थोड़ा सा बताया भी था आपको मैंने, आज मैं आपको पूरा कवर करता हूँ इसको। वैसे मैंने इसको रीजन वाइज और मान लीजिए सेल्स हमने ले लिया, तो ये अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें दो फील्ड रखोगे, प्रोडक्ट रख दिया, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर बताएगा, तो ये सबका फील्ड सेम होगा, मतलब ये बताएगा कि अंबाला में इसकी कितनी कैलकुलेशन है। अगर मैं मान लीजिए इसमें इसको छोड़ा देता हूँ, रीजन को प्रोडक्ट को हटा देता हूँ और मैं इसमें रखता हूँ टीम, तो अलग अलग टीम के उस हिसाब से कलर दिया हुआ है। अगर मैं इसकी फॉर्मेट में आता हूँ, अगर मैं इसको डेटा लेवल ऐड कर दूँ, तो इसके डेटा परसेंटेज ऑटोमेटिक आएंगे कॉलम परसेंटेज में, कि ओवरऑल सेल जो यहाँ 100% है उसमें 12% किसका है और किसका, ये सब आपको दिख रहा है। तो अगर मैं एक काम करता हूं कि मैं यहां से प्रोडक्ट वापस प्रोडक्ट रखता हूँ, प्रोडक्ट छोटा है तो दिख जाएगा, रीजन रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, टीम बना देता हूँ। हाँ, तो इसमें 57% और 42% मिला के 100% हो रहा है ना सर। ठीक है सर, अगर मैंने इसकी विजुलाइजेशन चेंज की और कॉलम कर दिया तो सेम चीज हो जाता है कॉलम वाइज। ओके, तो अमित जी, कपिल जी, सागर जी और संदीप जी, को डाउट, कोई डाउट इसमें समझ में आ गया? हेलो। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन की, जैसे कि आपको मैंने कपिल जी पहले ही बताया था कि हम अगर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे आ जाता है हमारे से, मान लीजिए कि हम सेल्स का, तो टोटल के हिसाब से टोटल यहाँ आता है ना सर, तो यहाँ पे सेल्स का टोटल है, तो टोटल के जगह पे मैं यहाँ सेल्स वैल्यू के जगह पे यहाँ इसका एवरेज मिनिमम मैक्सिमम ये चीजें भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना सर। लेकिन मुझे इस पे कैलकुलेशन करनी है। मैं कैलकुलेशन मतलब कि मैं ये जानना चाहता हूं कि कॉल्स आपको दिख रहा है, आपके डेटा नंबर आएंगे तो डेटा में देखेंगे कि भाई ये जो हमारा रेवेन्यू 748 जनरेट हुआ है, वो जनरेट हुआ इसके लिए टोटल कॉल्स किए गए थे 358। ठीक है, तो मुझे ये पता करना है कि पर कॉल्स, एक कॉल्स में कितना, मैंने कॉल्स पे, एक कॉल्स पे कितना एवरेज पर कॉल्स एवरेज सेल्स क्या है, मुझे पता करना है।
इसके लिए बगल में आप कॉलम जो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेजर्स क्रिएट कर सकता हूँ। मैं मेजर्स पे क्लिक करूंगा और मैं यहीं पे एक फील्ड यहाँ मिल जाएगा मुझे मेजर्स का। मैं यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर कॉल, और इसमें मैंने किया सम, किसका सम, तो सम ऑफ रेवेन्यू कॉल्स एक्सलेम योर फेयर रिलेटिव प्रोजेक्शन डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल कॉल्स, सम करना पड़ेगा ना सर, सम ऑफ कॉल्स, और फिर एंटर कर देंगे। अब मैं एक यहां पे मान लीजिए एक और मैं लेता हूं इसके लिए, और यहां पे मैं अपना जो फील्ड हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन में इस तरह कैलकुलेटर का साइन होता है, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो 2.1 जो है इसका एवरेज कॉल पर सेल है, 2.01 डॉलर हम एवरेज पर कॉल पे सेल कर रहे हैं, समझ गए। अब इसकी भी अपनी फॉर्मेटिंग है, आप इसके जाएंगे, इसकी भी फॉर्मेटिंग है सर। जैसे यहाँ पे कलर है, ये आपका गैस एक्सिस है, एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सिस क्या होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम क्या होना चाहिए। जैसे मैं बोला कि मिनिमम को 0 होना चाहिए और मैक्सिमम हमारा 5 होना चाहिए, और टारगेट जो हमारा है वो टारगेट हमारा 3 का है, समझे। इससे क्या पता चला कि भाई आप फिक्स कर लिया कि भाई मेरी मैक्सिमम 5 तक सेल जाती है, मिनिमम 0 रहती है, और मेरा पर कॉल सेल्स $3 का है। तो इससे पता चलेगा कि आप कितना टारगेट के दूर है, समझे। तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे डेटा डेटा लेबल तो हमारा ऑन है ही है, और बाकी चीजें फॉर्मेटिंग जो सेम होती है वही सेम होती है, तो इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो हमने अभी तक जो डिविजलाइजेशन पर वर्क कवर की वो लाइन चार्ट, ये आपका कर्सर कॉलम चार्ट, ये आपका कर्सर बार चार्ट, कर्सर कॉलम चार्ट, और ये हमारा था 100% स्टैक चार्ट, 100% कॉलम चार्ट, और साथ में हमने ये आपका गैंट चार्ट जो है ये कवर किया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, इन चारों की जो चीज़ें हमने कवर की है और ये जो है इसकी मदद से मुझे एक डैशबोर्ड बना के भेजिए। डेटा ऐसे आपके पास होगा, लेकिन फिर भी मैं डेटा एक मेल कर देता हूँ, उस डेटा पे आप लोग बना के भेजिएगा, ठीक है। संदीप जी आपकी ईमेल आईडी क्या है? प्ले म्यूट कर लिख लो, आ रहा है कल्पेश जी, और है अमित झा। डेटा फाइल भेज रहा हूं, आप लोग बनाए और मुझे शेयर करें, ठीक है। लिंक मुझे मेल कीजिएगा, लिंक शेयर कीजिएगा ऑनलाइन ले जाके, ठीक है। ओके, तो चलिए आज हम बात करते हैं आज की अपने सेशंस की, और हम बात करेंगे आज विजुलाइजेशंस के बारे में। मैं डेटा लोड कर लिया है, हमें लास्ट क्लास में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है चार्ट्स में, इन सारे चार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और स्टैक एरिया चार्ट और मल्टीपल टाइप ऑफ चार्ट्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि हम लाइन चार्ट यूज कब करेंगे। जनरली आप बार चार्ट यूज करना बताया था, लाइन चार्ट कब यूज होता है। देखिए लाइन चार्ट सभी होता है जो आपको फ्लो देखना होता है, कंपेयर नहीं करना होता। देखिए अगर आप स्टैटिक्स के अपने अपने इसमें ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स अगर पढ़े होंगे, अगर पता होगा कि ब्लॉक्स तभी यूज की जाती है जब हमें कंपेयर करना होता है बिटवीन टू डेट्स या टू टू लेजेंड्स के बीच में अगर कंपेयर करना है
या मोर देन टू लेजेंड्स के बीच कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो वहां पे हम बार चार्ट या कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको फ्लो देखना है कि कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, फ्लो देखना है, तो उस फ्लो को हम हमेशा लाइन चार्ट में करते हैं। आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट की जो भी चार्ट होते हैं वो मोस्टली लाइन चार्ट होते हैं, अगर आपने शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट करने की ट्राई की होगी तो। या सर चलिए, तो हम लाइन चार्ट लेते हैं यहां से, अच्छा बड़ा कर देता हूं। इस लाइन चार्ट में हम डेट को ले लेते हैं और फिर इसमें मान लीजिए हम सेल्स को ले लेते हैं। तो क्योंकि ईयर वाइज है मैंने इस पे क्लिक किया और हम इसको कर लेंगे क्वार्टर मंथ ठीक है, ये हमारा लाइन चार्ट है। अभी इस लाइन चार्ट के ऊपर चलिए फॉर्मेटिंग को देखते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही यहां पे देखिए एक्सिस में आपको क्या है, सेल्स डेट है, डेट में ईयर क्वार्टर मंथ और डे, ये ऑटोमेटिक ग्रुप हो जाता है जैसे पिवट में ग्रुप होता है ऐसे ऑटोमेटिक ग्रुप हो जाता है। बट आप चाहते हैं इसको हटाना तो आप यहां से हटा सकते हैं क्लिक करके, तो अब सिर्फ डे ही रहेगा। आपने देखा होगा जब मैं चार्ट लगाया तो नीचे और एक डाउन एरो निशान था, उसमें मैं बार 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 क्लिक किया था। तो अगर बार बार क्लिक करने में आपको परेशानी हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट लिया और फिर हमने यहाँ पे सेल्स डेट एंड सेल्स ले लिया, तो इस तरह से दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना सर। तो मैंने मंथ वाइज या डे वाइज करने के लिए हमने मैंने क्या किया था कि यहाँ जो ये दिख रहा है आपको इस पे क्लिक किया था हर क्लिक पे। तो अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप यहां से रिमूव कर दीजिए, तो ईयर ऑटोमेटिक क्वार्टर जाएगा, क्वार्टर रिमूव करेंगे तो मंथ आ जाएगा, मंथ रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डे आ जाएगा। ओके, अब इसमें एक फिगर आपने रखा, इसमें एक से ज्यादा भी आप रख सकते हैं, जैसे कि सेल्स के साथ साथ मैं चाहता हूं टोटल भी दिखे, तो मैं टोटल को जस्ट क्लिक करता हूं। तो यहां पे देखिए दो लाइन यहां से चल रहा है, तो ये टोटल हमारे फील्ड में ऐड हो गया हुआ है। तो दो लाइन को भी इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, एक से दो या दो से ज्यादा को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैंने यहां पे अगर रीजन को रख दिया तो क्या लेजेंड में हम रीजन को रखेंगे तब क्या होगा? लेजेंड में लेजेंड नहीं जा रहा, हाँ लाइन चार्ट में लेजेंड नहीं होता है, माफ कीजिए मैं भूल गया था, लाइन चार्ट में आपका लेजेंड नहीं होता, लाइन चार्ट में आप एक ही रख सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा आप रख सकते हैं इसमें। एक से ज्यादा आप रेवेन्यू कैलकुलेटेड फील्ड को एक से ज्यादा रख सकते हैं, बट लेजेंड फील्ड आपका जो होता है एक ही होता है, एक्सेस फील्ड आपका एक ही होता है, लेजेंड में आप मुझे रख सकते, वरना मैं इसको ड्रैग कर रहा था तो ड्रैग हो जाना चाहिए था बट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद टोटलिंग पे आप अपने हिसाब से कैलकुलेशंस कर सकते हो, सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम दे सबके साथ वही होता है, परसेंटेज में परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हो, कंट्रीब्यूशंस को हम लोग बोलते हैं। उसके बाद फॉर्मेट्स में आए, तो फॉर्मेट्स में ये आपका जनरल फॉर्मेटिंग होता है, इसमें हाइट और विड्थ दिया गया, अपने हिसाब से हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हो। लेजेंड्स, लेजेंड तो है नहीं तो लेजेंड्स में आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सिस की है, ये आपका डेटा कलर्स है कि डेटा का कलर क्या होना चाहिए, जैसे ये दोनों का जो कलर है आप अपने हिसाब से कलर को भी ये कर सकते हो कि मैंने ब्लैक कर दिया तो देखिए नीचे लाइन अब ब्लैक हो गया, तो ये कलर कर सकते हैं। डेटा लेबल डालना है तो डेटा लेबल आप यहाँ से डाल सकते हैं जो कि जनरली सब में डालते हैं, और डेटा लेबल की जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं आप। इसमें एक आया सैप्स, सैप्स इससे पहले नहीं था, इसमें सैप्स आया मतलब कि ये आपका जो सैप्स है राउंड है, आपका ज्वाइन टाइप जो है आपका राउंड है, मतलब स्टैक स्टॉक ब्रिथ जो है आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी मोटाई को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे यह है कि जो आपका ये जो पॉइंट जहां से मूव होता है उसका जो है वो राउंड है, ज्वाइन टाइप इसको बोलते हैं,
अब इस ज्वाइन टाइप को मैं यहां से वीवल कर सकता हूं या फिर इसको मीटर कर सकता हूं। तो तीन तरीके आपके पास है, तीनों को आप यूज कर सकते हैं। तीनों में फर्क समझ में आया कि नहीं आया सर? संदीप जी हेलो। नहीं, कम होगी तो आपको पता नहीं चलेगा। देखिए अभी क्या है कि मीटर है, तो देखिए मीटर में क्या है कि कॉर्नर 90 डिग्री कॉर्नर बना रहा है ना सर, यहाँ देखिए 90 डिग्री कॉर्नर बना रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको विवल करता हूँ, तो वो कॉर्नर वहां से कट जा रहा है। जैसे किसी पट्टी को आप मोड़ते हैं तो बीच में कट जाता है ना, शेप बन जाता है, वो शेप यहाँ हो गया। लेकिन जब इसको मैं ये करता हूँ, राउंड करता हूँ, तो उसके जगह पर गोल हो जाता है। ठीक है, यहां पर अगर स्टेप इट करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। और यहां पे कस्टमाइज सीरीज अगर आप करते हैं तो कस्टमाइज सीरीज में मतलब कि किसी एक को आपको बढ़ाना है, किसी एक को नहीं बढ़ाना है, तो उसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो हमने इसको अभी जो भी कर रहे थे वो दोनों पे इफेक्ट हो रहा था ना सर। मुझे मान लीजिए सेल्स पे करना है, इस पे नहीं करना है, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज सीरीज को ऑन करेंगे तो यहाँ आप सेल्स को भी कर सकेंगे। सर एक कॉल आ रहा है सर, मैं एक बार मैसेज कर देता हूँ उसको भी प्लीज। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेन को मैं सिर्फ सेल्स को लिया और सेल्स को मैं कहता हूँ कि राउंड नहीं, ए हो जाए, मीटर हो जाए, तो एक कॉर्नर हो गया। इसकी स्टाइल सॉलिड का जगह पे डॉटेड हो जाए या फिर इसकी डैश्ड हो जाए, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। दिख रहा है, लेकिन जब बड़ा काफी मोटा होगा, बड़े करोगे तो आपको दिख जाएगा। ऐसे आपकी प्लॉट एरिया जो बाकी सिंपल है, टाइटल के जो सब में किया था आपने, टाइटल वही है कि टाइटल को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या रखना है, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, जो मैं लास्ट क्लास में बताया आपको मैंने। इसमें बैकग्राउंड आपका वही है कि इसका बैकग्राउंड कलर की कोई और करना या नहीं करना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या रखनी है। उसके बाद लॉक स्पेस एक आता है, देखिए ये जो है कहीं पे मूव तो नहीं होगा, लॉक का मतलब यही होता है, लेकिन इसका यूज बहुत कम करते हैं। इसकी बॉर्डर, बॉर्डर देना है कि नहीं देना है, जो इस पूरा कलर है उसका बॉर्डर है, मतलब ये देखिए बॉर्डर आ गया ना, पहले नहीं था। अगर मैं बॉर्डर हटा दूं तो आपको बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो अगर मैं हटा दूं तो ये चार्ट का ये नहीं दिखता है कि चार्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो बॉर्डर के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेटिंग है। इसकी एनालिटिक्स में आता हूँ, एनालिटिक्स में इसका एक आता है, इसमें देखिए दो चीज आ गई, एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन समझते हैं क्या होता है? ट्रेंड लाइन देखिए कि ये दिखाएगा सेल्स के अकॉर्डिंग, देख बताता है कि आखिर क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक लाइन क्रिएट कर देता है अपने हिसाब से। ठीक है ना, उसमें कंसिस्टेंस लाइन आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, जो कि इससे पहले आपने किया था, मिन लाइन, मैक्स लाइन, एवरेज लाइन और मिडियल लाइन, वही है जो कि हमने लास्ट कल की क्लास में बताई थी आपको। इसमें एक ट्रेंड लाइन नया आया जाता है, वो ट्रेंड के हिसाब से वो आपको यहाँ पे एक लाइन शो करता है। तो इसकी हम ये देखते हैं कि आखिर हम लोग ये चेक करते हैं कि आखिर सेल्स के अकॉर्डिंग क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो एनालाइज कर लेता है वो इसके ऊपर। इसका एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का नाम भूल गया हूँ मैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है सर। ओके, तो ये आपको लाइन चार्ट समझ में आ गया? किसी को लाइन चार्ट दिक्कत है? लाइन के बाद हमारे पास आता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट और लाइन चार्ट सेम है, डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने मान लीजिए कि रीजन और यहां पे मैंने सेल्स ले लिया, तो ये क्या होता है,
एरिया चार्ट क्या होता है कि जितना बड़ा लाइन होता है लाइन शिफ्ट होता है, तो कि एरिया कवर करके रखता है, ठीक है। और इसमें इसमें हम दो, अब एरिया चार्ट में दो चीज को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहां पे हमने प्रोडक्ट को और लाइन को दोनों को ऐड कर, दोनों को ऐड कर दिया है, तो दो को, दो या दो से ज्यादा को ऐड कर सकते हो। किसकी, लेजेंड की मैं बात कर रहा हूं। और ऐसे आप इसमें दो और दो ज्यादा, दो से ज्यादा एरिया को भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आप देखिए, एक एरिया हो गया आपका ये, और ये हो गया ये, जो एक सेल्स का हो गया, रेवेन्यू का हो गया, एक हमारा क्वांटिटी हो गया। तो दो या दो से ज्यादा हम वैल्यूज भी रख सकते हैं और लेजेंड भी इसमें रख सकते हैं। हाँ ओके। अब इसमें जैसे कि अगर बात करें कि यहाँ पे रीजन्स वगैरह को अभी यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, यहाँ आपके जैसे कि मैक्सिमम वगैरह इस्तेमाल जो होता है कैलकुलेशन वही होता है, इसमें कोई खास चेंज नहीं। इसकी फॉर्मेटिंग में आते हैं। फॉर्मेटिंग में एक जनरल फॉर्मेटिंग है जो कि सब में होता ही है, एक्सिस फॉर्मेटिंग, एक्सिस की कैटेगरी है, वाई एक्सिस की कैटेगरी, डेटा कलर, डेटा लेबल ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। शेप्स नया आ गया यहाँ पे कि इसकी शेप्स के विथ राउंड चाहिए या मीटर चाहिए, वीवल चाहिए, कहाँ जहाँ से वो शेप होता है, जैसे कि आपने इसे पहले देखा था वो वही सेम चीज़ यहाँ पर है। प्लॉट एरिया है, टाइटल है, बॉर्डर है, सब कुछ वही है जो कि लाइन चार्ट में था। इसमें कुछ नया चीज़ है नहीं, बस इसमें नया चीज़ क्या है कि इसमें आप एक से ज़्यादा लेजेंड को ऐड कर सकते हो, ठीक है सर। और यहां से अपनी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसको एक अलग कलर देना चाहता हूँ, ये अलग कलर आ गया, तो कलर वगैरह आप यहाँ डेटा कलर से चेंज कर सकते हो। ओके एनालिटिक्स में आता हूँ। एनालिटिक्स में वही है कंसिस्टेंस लाइन, इसमें इसमें देखिए ये नहीं है, इसमें जो आपका एक इसमें लाइन चार्ट में था ना आपका ट्रेंड लाइन, इसमें ट्रेंड लाइन नहीं है। इसलिए मैंने बताया था आपको कि ये एनालिटिक्स अपने हिसाब से घटता बढ़ता है, इसके हिसाब से आपके विजुलाइजेशन के हिसाब से घटता बढ़ता है, ठीक है सर। उसके बाद ये हमारा पास हमारा आता है स्टैक एरिया चार्ट। स्टैक एरिया चार्ट, जैसे आपने एरिया चार्ट देखा, ये आपका स्टैक एरिया चार्ट है। तो स्टैक एरिया चार्ट में क्या देखा आपने, जैसे कि आपने यहाँ पे ये देखा था चार्ट में, इसमें क्या था कि कॉलम एक ही होता था, बीच में डिवाइड हो जाता था। तो सेम चीज देखिए यहाँ पे एक ही है, बीच में डिवाइड हो गया, दो अलग अलग एक्सिस नहीं है, दो अलग अलग लाइन नहीं है सर, बीच में उसने डिवाइड कर दिया हुआ है प्रोडक्ट को और इसको। अम्बाला के जो टोटल सेल्स है वो 2500 है, जिसमें से आपका 1080 सेल हो गया इसका, और 1484 हो गया आपका प्रोडक्ट वन का, प्रोडक्ट टू का, तो दोनों को कंबाइन करके इसने लेजेंड बना दिया। तो ये थोड़ा सा जब आपके पास मल्टीपल एक्सेस हो तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है। और इसकी भी इसकी एनालिटिक्स में सिर्फ कॉन्स्टेंट लाइन होता है देखिए यहाँ पे, और फॉर्मेटिंग जो बाकी सबकी फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेटिंग है, फिर कोई नया फॉर्मेट नहीं ऐड है, ओके सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा पे ये आता है, हमारा आता है लाइन एंड मल्टीपल चार्ट होता है। इसमें दो लेजेंड्स को हम दो टाइप के डेटा को, चार्ट्स को रख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रीजन वाइज हमने सेल्स को ले लिया, तो रीजन वाइज सेल्स आ गया। अब लाइन एज हो गया कॉलम, अब लाइन वाले वैल्यू में मुझे रखना है, जैसे कि यहाँ पे ये सेल्स हमारा आ गया सर। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि भाई टारगेट से कितना ऐड हुआ है। तो हमने डेटा में जाते हैं और एक नया कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करते हैं, मतलब कि हमारा जो टारगेट है वो, मान लीजिए कि हमारा जो टारगेट हमारा है वो टारगेट है जो हमारे जितने कॉल्स हुए हैं, मतलब कि हमें ये बताना गया कि भाई कॉल्स का 50%, जितने आप कॉल करते हो उसके 50% क्वांटिटी तो सेल होनी ही चाहिए, ठीक है सर। तो मॉडलिंग में जाता हूं और एक नया कॉलम ऐड करता हूं, और इस नए कॉलम में हम टीआरजी टारगेट लेते हैं, और यहां पे हम कॉल्स
कॉल्स डिवाइड बाय टू, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि जो मैं नया टीआरजी वाली कैलकुलेशन है ना सर, यहाँ कहाँ ऐड हो गया, कैलकुलेटर में कैलकुलेटर का बना रहता है ना, ये रहा। अब इसको हमने लाइन में रख दिया हुआ है, ठीक है सर। तो उसके हिसाब से टारगेट दिख रहा है कि भाई ये जो था ये रीजन में टारगेट बढ़ गया है, मतलब कि इसके टारगेट बहुत ज्यादा था कम हो गया है। तो इस तरह से दो लाइन चार्ट हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अब मैंने मान लीजिए कि हमने इसको टीम को रीजन के नीचे रखना चाहता हूं मैं, समझे, टीम को। तो यहां पे आप देखिए कि यहां मेरे चार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, टीम का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें जो है आप जो है दो एक इसमें क्या बोलते हैं उसको वैल्यू में दो पार्ट को एक्सिस वाले वैल्यू में दो पार्ट को दो दो लेजेंड को नहीं रख सकते आप। लेकिन अगर मैं इसको कॉलम सीरीज में रखूं तब क्या होगा, कॉलम सीरीज में तब रखते हैं तो वही आपका स्टैक वाली पार्टीशंस बन जाती है, ओके। अब मुझे इसको चेंज करना है, इसको ये जो हमारा आता है लाइन एंड कॉलम चार्ट उस पे लेके जाते हैं, तो इस पे भी आपका सेम होता है। अगर मैं इसमें अपने टीम को उठाऊं और टीम को अगर मैं लेजेंड के नीचे रखता हूं तो कैसा होता है, मैं सही से सो नहीं पाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। लेकिन अगर मैं इस टीम को अगर कॉलम सीरीज में रखूं तो यहां भी जो है इस तरह से जो नॉर्मल हमारे एक्सेल में चार्ट होता है वो नॉर्मल एक्सेल वाले चार्ट बन के जाती है, अलग अलग सीरीज सबके बन जाते हैं, ठीक है। और ये आपका अगला आता है रिबन चार्ट, तो रिबन चार्ट भी उसी तरह से होता है, लाइन चार्ट और आपका जो एरिया चार्ट और इसका कॉलम चार्ट का मिक्सअप होता है। ये ऑर्डर में लाइन चार्ट एरिया चार्ट एंड कॉलम चार्ट सर, ये दिख रहा है ये लाइन, ये जो दिख रहा है एरिया हो गया, ये आपकी जो जैसे कि अंबाला फ्लोरिडा ये सब, ये आपके कॉलम चार्ट हो गया, दोनों का मिक्सअप है। हाँ ये देखिए ये आपका आता है ये स्टैक कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट का मिक्सअप है, ये आपका होता है कर्सर कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट का मिक्सअप होता है, ये आपका रिबन चार्ट है जो कि आपका एरिया चार्ट एंड कॉलम चार्ट का मिक्सअप होता है, ठीक है सर। और इसकी फॉर्मेटिंग भी बिल्कुल सेम है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, चेंज नहीं है। हाँ इसमें एक नया आया है विजुअल, विजुअल है यार बेटा, ऑर्डर में करना है, ऑर्डर में करना है, ठीक है सर। क्लास डेटा मेरा बेटा है, आजकल स्कूल की छुट्टी है ना तो हमारे साथ रहता है, ओके। तो ये आपका कि यहां से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर जो होता है एंड यहां से बॉर्डर कलर, और कलर चोज की क्या चेंज हो रहा है यहां पे विजुअल जो है ना इसकी चेंज होता है। एक बार रुकिए मैं आपको बताता हूं, ये जो चेंज हुआ है कलर ये इसकी बैकग्राउंड नहीं हुआ है, मतलब कि जो विजुअल है उसका हुआ है। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ ऑटो कर देता हूँ रिवर्ट टू डिफॉल्ट ए, हाँ ये जो विजुअल है इनकी कलर चेंज होती है यहाँ से। मान लीजिए नहीं दिखाना चाहते हो तो आप फॉर्मेट में जाके यहाँ से हटा सकते हो, दिख रहा है, एक मिनट नहीं दिखना चाहिए, पता नहीं ये नया ऐड हुआ है, ठीक। इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, मैं रिसर्च कर लेता हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने देखा नहीं, क्योंकि इससे तक चार्ट बहुत कम यूज किया हूँ सर, ठीक है सर। तो इस लाइन को भी हमने समझा दिया आपको, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम इस लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे।
नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो ये पावर बीआई की डीवीडी है। हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से पावर बीआई क्या और कैसे डाउनलोड आईडी वगैरह। तो आई होप कि आप लोगों ने पावर बीआई को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया होगा और उसकी आईडी जो है आपने क्रिएट कर ली होगी, ताकि वेब वर्जन को भी इस्तेमाल कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे आज की इस पेन ड्राइव की वीडियो में कि पावर बीआई क्या एक्चुअली में हम इस्तेमाल करेंगे कैसे। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं, एक छोटा सा रिपोर्ट्स बना के आपको बताने वाला हूँ कि आखिर पावर बीआई से कैसे रिपोर्ट को ओपन करेंगे। तो जब से पहले जैसे पावर बीआई हमारा ओपन होता है, तो ये आपका पॉपअप आता है। इसमें आपके वार्ड्स न्यू मतलब कि ये कम्युनिटी है, जहां आप क्लिक करके अपने ये वार्ड्स ये आपका जो पावर बीआई की जो ब्लॉग्स है, फॉरम है, उन सब पे आप देख सकते हैं, जो ट्यूटोरियल है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे रिसेंटली कुछ वीडियोज हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली यूज की गई हमारे डेटा डेटाबेसेस है, और यहाँ आपका गेट डेटा मतलब कि इसमें सबसे पहले तो डेटा लोड करना पड़ेगा। पावर बीआई का खुद का कुछ डेटा होता नहीं है, तो किसी न किसी डेटा रिसोर्सेज से इसमें डेटा को लोड करना होता है। तो आप इस पे क्लिक करके भी लोड कर सकते हो, या फिर अगर आपने इसको कट कर दिया है तो यहाँ ये डेटा में जाएं और यहाँ से भी लोड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एक्सेल की फाइल है, हम उसको लोड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ इस पे एक्सेल पे क्लिक करते हैं और एम डेटा पे जाते हैं और इसको ओपन करते हैं। और ये डेटा लोड हो रहा है, बिल्कुल एक्सेल की तरह लोड होता है। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लोड कर दिया। बिल्कुल पिवट टेबल की तरह होता है, जैसे पिवट टेबल यूज करते हैं उस तरह से यूज होता है कि जैसे जैसे आप फील्ड को उठाकर जहां जहां मूव करोगे उसी तरह से का आपका पिवट बनता जाता है। तो यहाँ पे पिवट के डेटा के जगह पे, समरी के जगह पे, यहाँ पे विजुलाइजेशन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे पिवट टेबल की अपेक्षा बहुत सारे फीचर्स है। तो ये हमारे सारे पार्ट नेम है, सिटी है, क्वांटिटी है, और यहाँ पे डेटा वगैरह है। तो इसमें आप डेटा को कैलकुलेट भी कर सकते हो। जी हाँ, जैसे पिवट में कैलकुलेट कर देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ डेटा पे क्लिक किया है। यहाँ पे नेम ए आपका प्रोडक्ट के जो साथ है, इसमें टोटल नहीं है, मैं चाहता हूँ इन सबों का टोटल निकालूँ और इस पर मैं टैक्स और कमीशन निकालूँ। तो यहाँ मॉडलिंग में जाऊँगा और यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बार आ जाएगा जिसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे दे दिया टोटल, और टोटल में मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कि P1 प्लस P2, टैब इसे एरो की तरह सेलेक्ट कीजिए और टैब प्रेस कर दीजिए, प्लस P, एरो की से ऊपर जाता हूँ P3, टैप दिया तो सिलेक्ट हो गया, प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7, तो यहाँ पे टोटल डेटा आ गया। तो इस तरह से चीजें आप टोटल कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। फिर वापस चलता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे नेम यहाँ रखता हूँ और फिर मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट वन रखता हूँ, तो प्रोडक्ट वन को यहाँ पे भी रख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वन का, तो ये तो आपका डेटा डेटा व्यू में आया, लेकिन इसको डेटा में नहीं, आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे टोटल को यहाँ इसमें पहले आप विजुलाइजेशन सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, और फिर मैं टोटल को उठाया और यहाँ पे रख, ना किसी में माउस काम नहीं कर रहा सही से, गलत हो गया था। हाँ, यहाँ पे टोटल को उठाता हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ। तो पिवट कैसी होनी चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक और यहाँ से उठाता हूँ,
और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, मेरे माउस की बैटरी खत्म हुई थी, मैं बैटरी चेंज कर रहा था सर, और टोटल उठाया मैंने इस पर रख दिया। और यहाँ पे जैसे पीवट टेबल में कैलकुलेशन होती है, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन होती है कि टोटल मिनिमम वैल्यू एट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल का इसने क्या किया हुआ है, सम किया हुआ है, मैंने इसको यहाँ पे एवरेज कर दिया। तो एवरेज जो है हमारा एवरेज पर यहाँ पे टोटल जो है ये आपका आ रहा है, और यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे पी वन का टोटल, इसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले यहाँ विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कौन सा विजुअलाइजेशन आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको लेता हूँ, और इसमें मैंने नेम ले लिया और ले लिया हमने पी वन का टोटल। फिर वापस हम यहाँ पे इसी को लेते हैं, या कोई और विजुलाइजेशन भी चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम हो गया हमारा प्रोडक्ट टू का टोटल, उसके बाद फिर मैं इसी को चूज करता हूँ, यहाँ पे नेम हो गया और हमारा हो गया प्रोडक्ट थ्री का टोटल। फिर वापस मैं इसी को चूज करता हूँ और यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट थ्री एंड फोर, यहाँ पे हमारा फोर आ गया। इससे और भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग होती है, तो हम आपको आगे क्लासेस में समझाएंगे। फिलहाल मैं बस यही दिखाना चाह रहा हूँ कि आखिर हम डैशबोर्ड अपना बनाते कैसे हैं, सिंपल सा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ट्री मैप चार्ट लेता हूँ और यहाँ पे नेम एंड टोटल रख देता हूँ जो हमने टोटल निकाला हुआ है। और यहाँ पे मुझे ये तो होगी, ओके सो आई हैव, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट द डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हियर। नाउ आवर चार्ट्स विल बी रेडी, आवर डैशबोर्ड विल बी रेडी। आई वांट टू सो इसको अब रिपोर्ट के तौर पे हमें शेयर करना है। तो दो चीजें हैं, एक आपने इसको साइन इन कर रखा है तो आप इसको दो चीजों से कर सकते हैं। एक तो इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इसको आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो एक पीडीएफ डिफरेंट लोकेशंस में एक पीडीएफ सेव हो जाएगी और आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं, पर प्रोटेक्टेड होगा, इसलिए प्रोटेक्टेड होगा। देखिए प्रोटेक्टेड फॉर्म में आपका रिपोर्ट तैयार हो गया पीडीएफ फॉर्म में। दूसरा, अगर मैंने इसको यहाँ से पब्लिश कर दिया, आप होम मेनू बार में आए, यहाँ पे पब्लिश दिख रहा है, पब्लिश कर दिया तो फिर ये चला जाता है मेरे ऑनलाइन रिपोर्ट्स में, और इसको मैं सेव भी कर देता हूँ फाइल। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं माई वर्क स्पेस, या कोई और फोल्डर है तो कोई और फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिए, और इसको आप ये देखिए आपका पब्लिशिंग हो रहा है, ये आपका वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर रहा है। बस इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिस समय आप पब्लिश करते हैं। उसके बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि इस मेरा जो साइन इन करने के लिए बोलेगा आपको, और इस पर साइन इन कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने आईडी बनाई थी एक्सेल वाली, excel@iptindia.com, उसी आईडी से इसने लॉगिन कर दिया। नहीं, इसने दूसरे से किया है, kumar@iptindia.com से किया।
तो उसको साइन आउट कर सकते हो, तो ये रिपोर्ट वहाँ पे आपका चली जाएगा, चला जाएगा। मैं यहाँ पे पावर बी आई यहाँ से साइन इन करता हूँ, जो कल हमने आईडी बनाई थी एक्सलायर। हेलो, सॉरी सर इंटरप्ट के लिए। तो यहाँ पे हम अपनी आईडी को पावर बी आई को लॉगिन करते हैं, वो है हमारा excel@ibtindia.com। नहीं, पावर बी आई चला, pawarbi@ibtindia.com। और यहाँ पे हम अपने पासवर्ड डालते हैं। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम उससे पूछेगा नहीं। तो जो हमने रिपोर्ट यहाँ पे तैयार किया, इस रिपोर्ट को मैं पीडीएफ फॉर्म में और पावर बीआई की जो टेम्पलेट फॉर्म होती है उस फॉर्म में मैंने इसको एक्सपोर्ट तो कर लिया है, और इसको हमने पब्लिश कर दिया आपने माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन पे। और ये देखिए, ये पावर बीआई की जो वेब वर्जन है उस पर हमने कर दिया। अब यहाँ पे माई वर्क स्पेस पे जाइए, क्योंकि वहां पे मैंने जो फोल्डर सेलेक्ट किया था वो माई वर्क स्पेस को सिलेक्ट किया था, तो ये रिपोर्ट हमारे इस पे आ जाता है। अभी यहां से इसको हम डिफरेंट और भी नई चीजें कर सकते हैं। देखिए, रिपोर्ट्स में आपके सामने एम डेटा आ रहा है, अब इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अब इसको अगर आप मान लीजिए शेयर करना है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास प्रीमियम आईडी होना चाहिए। तो शेयर किसको करेंगे, ये शेयर ड्राइव की तरह शेयर हो जाएगा और किसी की सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई यूजर है उनके पास चला जाएगा, और उस रिपोर्ट को शेयर विथ मी जो फोल्डर है उस फोल्डर से आराम से देख सकते हैं कि उनको कौन कौन रिपोर्ट शेयर किया गया है। इसे मेल करने की कोई जरूरत नहीं, शेयर विथ मी करते ही उनके फोल्डर्स में सारे शेयर्स रिपोर्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए, उसके अलावा अगर आप इस रिपोर्ट्स में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको डब्ल्यू डेस्कटॉप पे जाने की सॉरी पावर बी आई डेस्कटॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से ही इसको एडिट रिपोर्ट कीजिएगा तो इसमें पूरा डिटेल्स आपको आ जाएगा, तो यहीं से रिपोर्ट्स को तो एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस डेटा को सेव एज रिपोर्ट कॉपी कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं, पब्लिश ऑन द वेब कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इन द पावर पिवट कर सकते हैं, तो पावर पॉइंट पे भी इसको डाल सकते हैं, वेब मतलब कि किसी को देना चाहते हैं तो इसका एक आप एम्बेड वर्जन आपको मिल जाएगा, बट इसकी सेटिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एम्बेड कोड की। तो लेकिन ये क्या है कि फ्री आईडी है, मेरा जो पेड वर्जन था वो आईपीटी इंडिया रोम था, तो वहां पे देखेंगे तो वहां आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें इसमें था यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, तो पेड वर्जन होना चाहिए। ऑफिस में तो आपका पेड वर्जन ही होता है। तो आई होप आपने समझा कि आखिर पावर बीआई से हम किस तरह की रिपोर्ट और कैसे रिपोर्ट बनाएंगे और किस तरह से इसको यूज करेंगे, ये आपका क्लियर हो गया होगा। फिर हम अगली अगली वीडियोज में हम क्लियरली शुरू से स्टार्ट करेंगे कि कैसे पावर बीआई का इस्तेमाल शुरू से करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, हम आपके साथ अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप पावर बीआई ओपन करके कुछ डेटा को लोड करके इस तरह की रिपोर्ट बनाने की कोशिश करें, मतलब उसको छेड़ने की कोशिश करें ताकि कुछ आपको समझ में आए कि है क्या। वैसे मेरा जहां तक सोच है पावर बीआई जो है टैबलो का ही सॉरी टैबलो ऐसा ही तो है, लेकिन पिवट टेबल एंड पावर पिवट टेबल का एडवांस वर्जन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारी वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कर लें। अगर आप पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं।
अब हमारी लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो भी हमारी वेबसाइट को लॉगिन कीजिए, डेमो क्लास का फॉर्म भरिए, दो चार क्लास डेमो लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस कर लें। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस वीडियो पेन ड्राइव की वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों, ये वीडियो पेन ड्राइव की हमारे पावर बी आई की तीसरी वीडियो है और तीसरे दिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बी आई में डेटा कनेक्टिविटी की। इससे पहले हमने पावर बी आई में कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, कैसे हम आई डी क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हमने आपको एक सैम्पल डैशबोर्ड बनाकर बताया कि किस तरीके से आखिर पावर बी आई काम करता है। अब अगली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा कनेक्टिविटी। जैसे कि हम बता चुके हैं कि पावर बी आई क्या उसका खुद का कोई अपना डेटा नहीं होता है, तो हमें डेटा को कनेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपके सामने जो दिख रहा है ये आपका पावर बी आई का वेलकम फाइल है। तो यहाँ से आपको डिटेल्स डेटा का है, तो यहाँ गेट डेटा पे क्लिक यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अंदर से बताते हैं कि यहाँ आपका गेट डेटा है और इसमें आपके जो मोस्ट यूजेस डेटा होता है वो आपका कनेक्शन जो होता है, यहाँ पे कनेक्शन दिया गया। लेकिन आप मोर पे क्लिक करेंगे तो मोर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे हर अब कैटेगरी वाइज आपका डेटा की कनेक्टिविटी दिख जाएगी। बाय डिफॉल्ट तो ऑल पे है, तो हम पहले चलते हैं फाइल कैटेगरी वी पे। मतलब कि आप कोई पर्टिकुलर डेटा फाइल को ले सकते हैं, जैसे कि एक्सेस एक्सेल की फाइल, टेक्स्ट फाइल, एक्सएमएल की फाइल, जेसन फाइल, फोल्डर फाइल, पीडीएफ फाइल एंड शेप फाइल का फोल्डर। तो यहां से इसकी आप पूरी की पूरी लिस्ट उठा सकते हैं। जैसे कि हम एक्सेल फाइल की बात करें, एक्सेल को क्लिक किया और यहाँ हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना चूज करना है जो फाइल जिसके साथ आपका जिस फाइल जिस पे आपको अपनी रिपोर्ट्स बनानी है उस पे आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपके सामने उस फाइल के जितने भी नंबर ऑफ शीट्स होंगे वो नंबर ऑफ शीट्स आपको वहाँ दिख जाएंगे। जैसे शीट वन को हमने क्लिक किया तो उसका डेटा प्रीव्यू आपको यहाँ दिख जाएगा। डेटा की प्रीव्यू को आप देखिए कि क्या मुझे इसी डेटा को डाउनलोड करना है। अगर हाँ इसी डेटा को डाउनलोड करना है तो ठीक है, अब यहाँ लोड एक्टिवेट नहीं है। अब यही भी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि ये जो डेटा कनेक्टिंग है वो आपकी एक्सेल की जैसा है, एक्सेल की जो आपका गेट डेटा होता है उसी की जैसा है। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, मुझे पहली बार हुआ था। तो क्या है कि एक्सेल में हम एक बार किसी एक ही डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी एक ही शीट को कनेक्ट कर सकते हैं, बट पावर बी आई में आप कई सारे शीट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक जब तक यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा लोड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके डेटा को लोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे कई सारे शीट सेलेक्ट करना है तो उतने शीट्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक लोड है, दूसरा ट्रांसफॉर्म है। अब क्या है कि लोड पे क्लिक करके आपका डेटा कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे आप ट्रांसफॉर्म में करेंगे तो आपका क्यूरी एडिटर खुल जाएगा। जैसे डेटा के ऊपर रिलेशनशिप बनाना है, कोई कैलकुलेशन करना है, कुछ और चीजें करनी है, तो वहां पे हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके जाते हैं, जो कि हम आगे की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको लोड पे क्लिक करता हूँ। लोड पे क्लिक करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम कितना होगा और डिपेंड करेगा आपकी डेटा के साइज के ऊपर। अब डेटा के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मेरा देखिए डेटा कनेक्ट हो चुका है। अब डेटा जब कनेक्ट हुआ है तो यहाँ पे देखिए कि जितने भी डेटा के फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स आपको यहाँ दिख रहा है। इसलिए डेटा आप ढूंढते समय देखिए कि डेटा में आपका कोई फील्ड मिसिंग तो नहीं है, इसका ध्यान आप रखेंगे कि आपके डेटा में कोई फील्ड मिसिंग तो नहीं है। उसके अलावा अगर मिसिंग हुआ तो यहाँ पे फील्ड वन टू आ जाएगा। देखिए आप फील्ड में क्या है कि यहाँ पे देखिए ई लगा हुआ है, यहाँ टेबल लगा हुआ है, तो इसकी एक इंडिकेशन है। अब जैसे कि ई लगा हुआ है तो मतलब कि अमाउंट वाले कॉलम में नंबर्स है, सी आई डी वाले भी कॉमन नॉर्मल नंबर्स है, सिटी में कुछ नहीं लगा है, मतलब कि ये हमारा टेक्स्ट है। तो जो ब्लैंक है और टेक्स्ट है जिसमें सम ऑफ का साइन लगा हुआ है वो हमारा नंबर्स है, और जिसपे कैलेंडर लगा हुआ है वो हमारा डेट है। मतलब कि डेटा में इसने खाली खुद ब खुद डेटा को आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन हम चाहे तो अपना डेटा फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ मॉडलिंग में आके ये देखिए डेटा टाइप अपने हिसाब से डेटा का चयन कर सकते हैं कि डेटा क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने सिटी हमारा है तो हमने सिटी को सेलेक्ट कर लिया, और डेटा टाइप में यहाँ देखिए क्या है, डेसिमल्स है, फिक्स नंबर्स है, होल नंबर्स है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट है, रूल्स है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है।
अब टैबलू में क्या होता है कि उसको हम ज्योग्राफिकल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट पावर बीआई में ज्योग्राफिकल डेटा में कन्वर्ट नहीं करना होता है, वो खुद ब खुद जब आप ज्योग्राफिकल चार्ट लेते हैं तो वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है इसलिए बिंग डॉट कॉम से चलता है और खुद ब खुद पहले कर लेता है। तो यहाँ आपका डेटा जो भी डेटा कनेक्ट होगा यहाँ होगा, आप जरूरी नहीं कि आप एक ही डेटा कनेक्ट कर दो सको, आप एक से ज्यादा डेटा भी कनेक्ट कर सकते हो, और कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपल वही गेट डेटा पे जाना है। और जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस नहीं इसमें तो कुछ डेटा ही होगा नहीं, मैं एक अलग जाता हूँ डेटा में, तो मान लीजिए मुझे एम डेटा को भी कनेक्ट करना है, एंड ओके कर दिया, और यहाँ कुछ इसी तरह से कीजिए एंड इसको लोड कर दीजिए। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम रिलेटिव डेटा को ही करें, हम अलग अलग डेटा भी ले सकते हैं, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये अलग डेटा टाइप है, ये अलग डेटा टाइप है, लेकिन हम अपने डैशबोर्ड पे हम दोनों डेटा के डैशबोर्ड्स को मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहाँ से हम अपना चेंज करेंगे और अपना उठा लेंगे। तो ये तो थी हमारी इस पावर बीआई की डेटा कनेक्टिंग। अब मैं अगली वीडियोज में, क्योंकि मेरे साथ टाइम क्लास का टाइम हो गया है, तो अगली वीडियोज में हम बात कर लेंगे अलग अलग कैटेगरीज के डेटा के हिसाब से। और क्लास के बाद इसलिए बोला था कि ये तो हमारी पेन ड्राइव रिकॉर्डिंग्स है, लेकिन हमारी जो होती है लाइव क्लास हम लोग कंडक्ट करते हैं जूम ऐप के थ्रू, हमारी लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन क्लासेस कंडक्ट होती है एडवांस एक्सेल वीवी माइक्रो एमएस एक्सेल डेटाबेस के साथ कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशंस पे। तो फटाफट मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां पे डेमो क्लास का फॉर्म भर दें, दो चार क्लास डेमो लें, अगर हमारे पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हो फिर भी मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। किसी भी तरह की पावर बीआई एक्सेल वीवी एक्सेस में प्रॉब्लम हुई तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे स्काइप कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो चलिए आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई, और सुनीत जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें अल्ट प्लस आर से, मैंने परमिशन ले दिया है। डेटा कनेक्शन में थे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में बताया था कि डेटा कनेक्ट करने के लिए आपको अपने गेट डेटा में, हाँ मोर पे जाइए, मोर ऑप्शन में फाइल है, इसमें एक्सेल फाइल आपने कर लिया, सीवीएस कर लिया, एक्सएमएल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सएमएल फाइल इसी टैली वगैरह जो डेटा आता है वो एक्सएमएल फाइल होती है, तो एक्सएमएल फाइल को भी लोड आप कर सकते हैं, पर डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि देखिए डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट में, लेकिन कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक्सएमएल फाइल सिंपल टेबल फॉर्मेट में है, तो इस पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ से लोड कर लीजिए, ये देखिए लोड हो जाएगा आपका, ठीक है सर। उसी तरह से जेसन फाइल भी होती है, अब मेरे पास जेसन फाइल तो है नहीं, वरना मैं करके दिखा देता आपको, लेकिन इजिली है, जैसे सिलेक्ट करके आप जेसन नॉर्मल फाइल टेक्स्ट करते हो उसी तरह जेसन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी पीडीएफ की बात करें, अगर डेटा आपका पीडीएफ में है तो पीडीएफ को भी लोड कर सकते हैं, बट पीडीएफ में दिक्कत क्या होता है कि पेजेस के हिसाब से टेबल्स बनते हैं, ठीक है। हाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा डेटा आपको यहाँ पीडीएफ में बना के बता ही देता हूँ, नेम और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट वन बाइज प्रोडक्ट टू इस तरह से कर देता हूँ, और मैं नेम यहाँ पे कर देता हूँ, और यहां पे हम कुछ नंबर्स दे देते हैं, और नीचे के ड्रैग कर दिया, कॉपी कर दिया, हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको हम सेव एज किसी एक जगह पे, मान लीजिए मैं गूगल गूगल ड्राइव में ही चला जाता हूँ, पावर बी आई, हाँ इसमें मैं मान लीजिए कर दिया डेटा के नाम से, और मैं इसमें पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाए, ठीक है पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो गया और एक खुल गया ताकि देख भी लें कि कई सारे पेजेस में आ गया ना। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और वापस पावर बीआई पे आता हूँ, पीडीएफ पे हमने क्लिक किया और कनेक्ट किया, और अपने लोकेशन पे चले जाइए जहाँ आपका पीडीएफ सेव है, मैं लोकेशन पे चला जाता हूँ पावर बीआई, और इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड
ओपन करता हूँ। ये आप देखिए आपके कई सारे पीडीएफ फॉर्मेट में है। बेसिकली होता है क्या है कि ये रीड करता है, होता है क्या है कि आपके डेटा में आपके पेज में पीडीएफ में होता है क्या है कि टेबल फॉर्मेट भी होते हैं। मान लीजिए आपने एक एक रिपोर्ट लिया जिसमें ऊपर में हेडिंग्स है और नीचे टेबल दिया हुआ है, तो टेबल को रीड करता है फिर वो डेटा को रीड करता है पेज को, मतलब कि जो टेबल फॉर्मेट है। हाँ, तो पेज में जो टेबल था उसको रीड कर लिया उसने, जो पेज में टेबल था रीड कर लिया और फिर पेज को भी। हाँ, तो टेबल में क्या हुआ कि जो टेबल होगा वो डेटा टेबल जो बना होगा वो होगा, और पेज में क्या होगा आपके एबीसीडी कुछ और मैसेज भी लिखा होगा वो भी होगा आपका, ठीक है ना। अब मैं एक से ज्यादा को सिलेक्ट करूंगा। अब यहां पे क्या है कि इसको कंबाइन करने का ऑप्शन इसमें नहीं है। आप इसको जब लोड करोगे तो ये आपको अलग अलग टेबल में लोड होगा, यहां पे कंबाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो गूगल सीट आपको खुल के आ जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, पावर क्यूरी एडिटर खुल के चला आता है, ठीक है ना। ये पावर क्यूरी एडिटर आपका खुल के चला आता है, तो इसमें इसलिए खुल के आता है कि आप इसको लोड करने से पहले कोई कैलकुलेशन वगैरह करना चाहे तो इसमें आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें और भी बहुत चीजें हैं, ये सब चीजों के बारे में हम आपको लास्ट क्लासेस में बताएंगे, ठीक है। हेलो, इन सब चीजों के बारे में हम आपको आगे इस पर जैसे आर स्क्रिप्ट वगैरह चलाना है, पाइथन स्क्रिप्ट वगैरह चलाना है तो इस पर भी चलाने के लिए आप इसका यूज हम करते हैं, इसके बारे में आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब यहां पे लोड एंड क्लोज पे चले जाते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। तो आपने देखा टेबल्स को किस तरह से लिया और इसके ऊपर हम फिर रिपोर्ट्स को बनाएंगे, बट इसमें डेटा कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ ताकि समझे बनने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इसमें हम आगे जो है क्यूरी पावर क्यूरी बताएंगे, उसमें चीज समझा देंगे कैसे इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, राइट सर। अब हम बात करते हैं फोल्डर की। अब जैसे कि ऐसे ही आप फोल्डर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें मेरे पास एक फोल्डर है, मैं एक बार फोल्डर में आता हूं, मैं इसको कॉपी इसको कट में बाकी डेटा नहीं होना चाहिए। तो हमारे एमएस के अंदर डेटा जो फोल्डर है, इस डेटा में मेरे पास पांच जो है फाइल है। तो अब मैं पावर बीआई पे आता हूं। अब पावर बीआई में मैं यहां गेट डेटा पे जाता हूं। गेट डेटा में अगर मैं मोड पे आता हूं और यहां फुल फाइल में हम फोल्डर को सिलेक्ट करें और पास में हम जाते हैं, हाँ इसमें फोल्डर में हम एम फोल्डर में डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके एंड। तो यहां पे क्या होगा कि सारे फाइलों का लिस्ट हो जाएगा। अगर मैंने लोड पे क्लिक कर दिया तो जस्ट जो आपको यहां दिख रहा है फाइल का पूरा डेटा आ जाएगा, लेकिन मैं कंबाइन पे क्लिक किया, कंबाइन एंड लोड पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा, इसके अंदर की सारा डेटा एक एक के नीचे डाल देगा। जैसे यहां देख रहे हैं तो हर सीट का डेटा कंबाइन कर लेगा, फर्स्ट फाइल सेकेंड फाइल। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर टेबल कम ज्यादा हुआ फिर भी वो कर लेगा। तो मैं पांचवा नंबर फाइल पे आता हूं और इसमें टेबल पूरा है और एक ज्यादा भी है, तो इसको सेलेक्ट करके मैं लोड करूंगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा
कि जो सबसे हाईएस्ट कॉलम है, हो सकता है ना कि आपके पास कॉलम मिसिंग हो, तो आप हाईएस्ट वाले कॉलम सेलेक्ट करें एंड ओके कर दें। आपका डेटा आ गया। हाँ क्या बोले सर? ओके जैसे कि मान लीजिए ना कि आपके पास एक फोल्डर है, हमारे पास इस फोल्डर में मेरे पास कई सारे फाइल है, मतलब ये समझिए ना कि माने कि आपके पास जो है ना, आपकी कंपनी जो है वो 5 सिटी में काम करती है, अब 5 सिटी का सेल्स का रेट आया हुआ है। अब आपको इस पे एनालिसिस करने के लिए सारे सिटी का डेटा कॉपी करके एक के नीचे पेस्ट करके एक कॉन्सोलिडेटेड डेटा बनाना होता है, समझे? तो ये चीज आप पावर बीआई के अंदर ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गेट में आइए, मोर पे जाइए। संदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, वो आपकी इंटरनेट की स्पीड कम हो गया था इस कारण से। तो यहां पे देखिए क्या होगा कि हम यहां फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, राइट, ओके करते हैं। फिर यहां पे आपको फोल्डर पाथ देना है, तो यहां लोकेशन पे गया और फोल्डर का पाथ दे दिया, ओके किया। यहां तक समझ में आ गया? इस फोल्डर में जितने भी फाइल्स हैं सबका लिस्ट आप, लेकिन मुझे इसके लिस्ट में इसके अंदर का डेटा चाहिए, तो यहां कंबाइन में क्लिक करेंगे। लेकिन कंबाइन में क्लिक करने से जान लीजिए कि मेरे पास फाइलों में डेटा है ना, तो सारे डेटा एक जैसा नहीं है। इसमें क्या है कि F1 में जो है 5 कॉलम 4 कॉलम का डेटा है, F2 में 3 कॉलम का डेटा है, F3 F4 में 4 कॉलम का डेटा है, F5 में 5 कॉलम का डेटा है। बात समझे कि नहीं? तो कंबाइन करते समय ये चीज ध्यान रखिएगा, आप कंबाइन एंड लोड में दीजिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका जो सबसे हाईएस्ट कॉलम का डेटा है उसको सेलेक्ट कीजिए और उसको क्लिक कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा आपको लोड कर देगा। तो जिसमें जो कॉलम नहीं होगा उसमें ब्लैंक कर देगा, जो कॉलम में डेटा होगा उसको कंबाइन रखेगा। ठीक है, क्या आ गया? नहीं, मैंने गलत फाइल लिख रहा था ना, ये फाइल आया आपका F1। अब इसमें देखिए कि मई का डेटा नहीं था तो ब्लैंक, मई का डेटा सिर्फ 5वें फाइल था। फिर फरवरी का डेटा फाइल नंबर 2 में नहीं था तो यहां ब्लैंक दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फोल्डर के डेटा करते हैं। तो फाइल वाले सिस्टम में आपको समझ में आ गया कि इसमें आप कैसे कैसे करेंगे। अब एक स्वर पॉइंट का है, शेयर पॉइंट से कोई डेटा लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन शेयर पॉइंट सिस्टम में नहीं। हाँ जी हाँ। अब आते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस में डिफरेंट डेटाबेस, आप कौन सा डेटाबेस यूज करते हैं सर? ओके, सेल्स फोर्स। तो आपका एक आपका तो यहाँ सेल्स फोर्स होगा, इसमें देखा था मैंने, इसमें स्पेस एनप्रिटी एमेजॉन सैप सैप होना सिस्टम माइस्कल एवियन ऑरिकल। अच्छा, आपका ऑनलाइन सर्विसेज में है, यहाँ देखिए ऑनलाइन सर्विसेज में मिल जाएगा आपको। हाँ सेल्स, हाँ ओके। तो डेटाबेस को भी आप सेम कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस ले लीजिए, एसक्यूएल ले लीजिए, बस वो चीज़ आपके पास आना चाहिए। पैथन है, बहुत सारी चीज़ में सैप है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब डेटाबेस मेरे पास है नहीं तो मैं करके नहीं दिखा सकता।
पावर प्लेटफॉर्म, अगर आपने पावर बी सर्वर परचेज कर रखा है तो आपको पावर बी डेटा सेट्स मिलेंगे, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। आप अजूरे को यूज करते हैं तो अजूरे से डेटा को ले सकते हैं। और तीसरा तीसरा ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे आपने बोला कि सेल्स फोर्स, तो मेरे पास सेल्स फोर्स तो है नहीं, बट आपके पास है तो आप कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक। हाँ, फेसबुक का हाँ एसक्यूएल से ले सकते हो, और यहाँ पे लिंक्डइन है, ये सब चीजें हैं, इसका यूज कर सकते हो आप। अब जैसे फेसबुक से क्या करना है, तो बहुत सारी कंपनियां फेसबुक पे, लिंक्डइन में, गूगल एनालिटिक्स में क्या करती है, ऐड देती है। तो उस ऐड की परफॉर्मेंस के लिए देखते हैं कि भाई कितना हिट्स हुआ, कितना क्लिक हुआ, कितना सब्सक्राइब हुआ, कितने सेल्स हुए वगैरह वगैरह, तो मैच करने के लिए इसका यूज करती है। ओके, अब अदर पे आते हैं हम। अदर में जैसे कि वेब से कोई डेटा लेना है आपको, वेबसाइट से, वेब की जो वेब पेज है उससे कोई डेटा लेना है आपको, तो अब इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा वेबसाइट का यूआरएल देने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा वेबसाइट पे जाता हूँ, एक तो मेरा ही, जैसे यहां पे मैं लिखा वर्ल्ड मोबाइल यूजर बाय कंट्री, ठीक है, और इस विकिपीडिया का मैं देखता हूं, तो विकिपीडिया में मुझे पूरा लिस्ट दिख रहा है। मुझे इस डेटा को पावर बीआई में चाहिए ताकि मैं एनालिसिस कर सकूं, तो मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद पावर बीआई के इस पे गया और इसको पेस्ट कर दिया। हाँ, ओके किया। ये थोड़ा टाइम लेता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करेगा कि वेब पेज पे जितने भी टेबल है, सिर्फ याद रखिएगा वेब पेज सिर्फ टेबल को देता है, जितने भी टेबल्स हैं उसको करेगा। जैसे डॉक्यूमेंट बताया कि भाई किसको करना है, एचटीएमएल है, टेबल को इसने किया है, और टेबल के नंबर्स आते हैं, टेबल 0 एंड टेबल 1, जो भी इसके वेब पेज पे टेबल होगा, ठीक है ना। एक टेबल तो आपको दिख रहा है ना, टेबल का मतलब ये टेबल है जिसमें हेडिंग होता है, और नीचे भी एक टेबल था, ए एक और टेबल नीचे था, उसको लिया है इसने, दो टेबल इसने लिया है। तो टेबल 0 चाहिए, हमें टेबल 0 को सिलेक्ट किया और यहां पे लोड कर देता हूं। ये आपका डेटा यहां पे आ गया, टेबल 0 दिख रहा। तो किसी वेबसाइट का डेटा इस तरह से आप ला सकते हैं, रैंकिंग, कंट्री वाइज रीजन वगैरह वगैरह आप कर सकते ठीक है, विदाउट इसमें। तो आप डेटा कनेक्ट कर सकते हैं वेब से, तो वेब से कनेक्ट करना आपको आ गया। उसके बाद यहाँ पे अदर सर्विसेज में और भी चीजें, जैसे शेयर पॉइंट भी, ओडेटा फीड है, टाइपटी वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज से डेटा ले सकते हैं, कोई आर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है या पैथन की स्क्रिप्ट आपने लिखी है वो भी आप ले सकते हैं, कोई ओटीबीसी या ओएलईडीबी डेटाबेसेस है उसको आप ले सकते हैं। अगर आप कोई ब्लैंक क्यूरी लिखना चाहते हैं तो ब्लैंक क्यूरी को भी कनेक्ट कीजिएगा। अब यहां पे आपके पास क्यूरी कनेक्शन खुल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने हिसाब से जो क्वेरी लिखना है लिख सकते हैं, इसके बारे में हम आगे क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे आप फंक्शन लगाना है, जैसे टेबल का फॉर्मूला या फिल्टर का फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जैसे फिल्टर का फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले वगैरह लगा के आप ले सकते हैं, फोल्डर से ले सकते हैं, बहुत सारी चीज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से उठा सकते हैं आप, ठीक है। तो अपने हिसाब से कोई क्यूरी लिख सकते हैं, ये चीजें हम आपको सिखाएंगे उस समय सिखाएंगे। तो डेटा कनेक्टिविटी समझ में आ गया आपको, ओके। अब हम कल की क्लास में आपको बताएंगे इस डेटा कनेक्ट कनेक्ट करके रिपोर्ट, डेटा कनेक्ट करने के बाद हम अपने विजुलाइजेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका एक डमी देंगे, फिर हम कुछ दिनों के लिए मूव हो जाएंगे डेटा कैलकुलेशन पे, और इसमें हम करीब 150 फॉर्मूले सीखेंगे, फिर वापस हम आएंगे अपने इस पे विजुलाइजेशन पे और बनाना सिखाएंगे आपको।
ठीक है सर, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और कोई डाउट होगा कॉल कर लीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं कल। ओके थैंक यू।